बिजनौर के नहतौर इलाके में बेरम नगर गड़ी में बिजली के ट्रांसफार्मर में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रांसफार्मर धूं धूं कर जलने लगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर राख हो गया। पूरा मामला बिजनौर के नहतौर थाना क्षेत्र के हल्दौर मार्ग पर स्थित ग्राम बेरमा मात गड़ी का है, जहां देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते गांव की बिजली सप्लाई के लिए रखा 400 केवी के ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ट्रांसफार्मर कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दी। ग्रामीणों का कहना है कि आग लगते ही बिजली विभाग के कर्मचारियों और अफसरों को कई बार फोन किया, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने मौके पर जाकर नहीं देखा। इसके चलते आसपास के दो बिजली के खंभे भी गिर गए। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने पूरी रात अंधेरे में गुजारी। ट्रांसफार्मर फूकने से पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द से ट्रांसफार्मर लगवाए जाने की मांग की है। वहीं बिजली विभाग के जेई नूतन प्रकाश का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से 400 केवी के ट्रांसफार्मर में आग लगी है। बारिश होने की वजह से कर्मचारियों के मौके पर पहुंचने पर विलम्ब हुआ है। जल्द ही ट्रांसफार्मर को बदलवाया जा रहा है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ मोहम्मद फैजान। वहां में देव आगे भैया आगे मत जाओ, खड़े कर लो भैया। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।